यहाँ पर कोई आया है अभी भी? नहीं, अभी साली ने शुदा जी मोना मलिक आदि रोल साइलेंस रोलिंग एंड वन टू थ्री एक्शन। वो रिंग देख रहे हैं और वो रिंग को देखते देखते वो रिंग अचानक से गायब हुई। आसमान में देखो, अरे चुप रे, एक्शन रोलिंग एंड वन टू थ्री एक्शन। आज इस ब्लॉग में ना आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका मेकअप होता है, 28 साल का होता है, 40 साल का कैसे दिखता है मेकअप के साथ, ये आज आप देखने वाले हो। और ये जो रेड कलर की स्कॉर्पियो देख रहे हो ना, ये है शालीन बनोट की स्कॉर्पियो। अब ये देख रहे हो ना, ये मॉनिटर में ना देखा जाता है कि फ्रेम कैसा लग रहा है। आज वापस आ गए हम बेकाबू के सेट में और आज का ब्लॉग ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले रात का शूट। यस यू आर राइट अगेन, वी आर बैक फ्रॉम ये है चाहते इसका सीन लगने वाला है, अभी शूट होने वाला है। और रात को ना पहली बार मैं फिल्म सिटी आया हूँ तो काफी सारे आपको बेकाबू के बिहाइंड द सीन्स इस ब्लॉग में देखने मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग यू टाइम, माय नेम इज शुभांकर पॉल एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड राइट अवे। शॉट लगने वाले अभी और अभी पूरा जो लुक है पूरा चेंज होने वाला है, अभी देखना। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था ना कैसे इसको 40 साल पुराना जो मुस्टैच लगाया गया था वही लुक ये अभी लेने वाला है। अब आज इस ब्लॉग में ना आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका मेकअप होता है, 28 साल का होता है, 40 साल का कैसे दिखता है मेकअप के साथ, ये आज आप देखने वाले हो। आपको इसका आज मेकअप दिखाऊंगा और आज इसको ना हम लोगों को मतलब एक नई वेराइटी मिली है और ये पहले वाले वेराइटी से ना थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। नहीं, पूरा वुडन पैनल बैठा हुआ है और ये है मेकअप रूम। शो का बजट तो ऐसे अच्छा है, बालाजी का शो है और ये फटाफट ऐसा बेल्ट वेल्ट पहन के तैयार हो गया। अभी आगे मेकअप दादा, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा मेकअप होता है। गुड मॉर्निंग दादा, कैसे हो? आ जाओ भैया, ये आगे अपना मेकअप दादा। और मेकअप दादा क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी का करेंगे मेकअप, 28 साल से सीधा 40 साल है ना जी? 40 साल। कितने बजे से आए हुए आप? सुबह से आए हुए हो? हम लोग एसजे में थे, हम लोग शिफ्टिंग किए, एसजे से शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे। वहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 आर्टिस्ट का मेकअप हो गया, शुदा जी मोना मलिक आदि सब वहाँ पे देखे स्टूडियो में। यहाँ पर कोई आया है अभी भी? नहीं, अभी शालीन है और हीरो है। शालीन बनोट है, उनका सीन लगेगा अभी। चलो अभी तो हो रहा था, बाहर हो रहा था, चल रहा था तो भी है। तो फटाफट इसका मेकअप देखते हैं और फिर सीन लगेगा, शूट देखेंगे। जो मेरा एक्चुअल टोन था ना उससे दो टोन ही नहीं मिलता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट मिला जाता है, आई मीन ऐसे स्क्रिप्ट दिया जाता है वैनिटी में। मल्टीटास्किंग कर रहा है मेरा भाई अभी, मेकअप के साथ साथ टाइम की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करते हुए मेकअप भी चले जा रहा है और स्क्रिप्ट भी याद की जा रही है। फाइनल टच। इसकी स्मेल क्या है? ये है क्या एक्चुअली? ये है सर गमी होती है, मूछे चिपका मूछे लगाने के लिए, दाढ़ी मूछे जो लगती है ना उसके लिए मॉइस्चराइजर उसके लिए यूज होता है। स्किन फ्रेंडली होता है, पर ऐसा कुछ हार्म नहीं करता। बट ये जब निकालते हैं ना तो यूडी कोलोन और ये सब चीजें यूज करनी पड़ती है निकालने के लिए काम, क्योंकि आसानी से निकलती नहीं है। ये बेबी ऑयल से निकलती है, मतलब निकल जाए उसके बाद आपका जो फेस पे ऊपर वो रहेगा। मेन यूडी कोलोन से निकलती है अच्छी तरीके से। अभी थोड़ी देर अपन लाइंस रिहर्स करने के लिए छोड़ देते हैं जैसे मेकअप दादा ने कहा। मैंने उठाया हुआ है, चल के देखते हैं उनका क्या सीन लग रहा है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें अभी देखने मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड को मैंने वैनिटी में स्क्रिप्ट याद करने के लिए वैनिटी में छोड़ा है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे एक हल्का सा ग्लिंप दिखा, तो मैं फटाफट जाकर ये फुटेज निकाला। वैसे तो अलाउड नहीं है फुटेज निकालना, मतलब मैं कैसे कैसे थोड़े थोड़े फुटेज मिलते हैं तो मैंने अटैच किया। ये
ये जो सीन शूट हो रहा है ना, ये बेकाबू का एपिसोड नंबर 21 शूट हो रहा है यहाँ पे। आप ये एपिसोड देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या और किस बारे में बात करने वाला हूँ। अभी ये सिल्वर कलर की जो होंडा सिटी है ना, ये बाहर आ रही है, ये एक चेजिंग सीन शूट हो रहा है। और इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। शालिन मेनॉट की मम्मी, मतलब राणा की मम्मी, बोलती है कि जिसने उसको पिछले जन्म में मारा था वो कंगन, इसके पास है दूसरा वाला कंगन, तो वो स्पॉट कर लेता है यहाँ पर जो गाड़ी में बैठी है। जैसे आप देख रहे हो इसका कंगन, ये जो मॉनिटर में दिखा रहा है, क्लोज कट रहा है, उसके हाथ में ही है। आप सीन देखोगे तो समझ में आएगा। तो वो वाला सीन यहाँ पे शूट हो रहा है और शालिन मेनॉट इसको देख लेता है तो चेज करने जाता है। आप अभी देखिए एक्ट्रेस है ना, ये इनका नाम नायरा है, जो भी पास हुई वही, यही वो गाड़ी में बैठी हुई थी। सीरियल में नहीं दिखाया गया, पर मैं आपको चैनल में रिपील कर रहा हूँ। और अभी डायरेक्टर समझा रहे हैं एक्टर्स को कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना है। अभी शालिन मेनॉट का सीन लगेगा, क्लोज लगने वाला है, तो डायरेक्टर कैसे कैसे पीछे बताते हैं, क्लोज में उनको एक्सप्रेशन कैसे देने बताते हैं, वो अभी आप सामने देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट सीन टीवी में कैसा लगता है आप देखो अभी। तो अभी दूसरा सीन लग रहा है, जैसे आप सामने देख रहे हो, डायरेक्टर ना एक्टर्स लोगों को समझा रहे हैं। मतलब एक्टर्स को क्या समझा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स लोगों को बुला के ना, जो मेन लीड रहते हैं उनको पहले बुलाते नहीं है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर को बुला के फ्रेम को सेट करते हैं कि जब एक्टर्स आए तो टाइम वेस्ट ना हो। तो जब तक ये सब चीज़ रेडी होता है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा सोचा कि आसपास का माहौल दिखा देता हूँ सेट का कि कैसा है। तो ये जो आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे वैनिटीज़ खड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे एक्टर्स के, चाहे छोटा एक्टर हो, बड़ा हो, वन डे टू डे स्टार, सबको वैनिटीज़ मिलती है। तो बालाजी का शो है तो बजट अच्छा है, तो ये सारे वैनिटीज़ खड़े हुए हैं। और ये जो रेड कलर की स्कॉर्पियो देख रहे हो ना, ये है शालिन मेनॉट की स्कॉर्पियो। अभी अभी फिलहाल ही मैंने उन्हें खरीदा है, और आप लोगों ने तो सोशल मीडिया में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ और इंस्टाग्राम में देखा ही होगा ये वाला गाड़ी। तो ये रेड कलर की गाड़ी उनकी है। बस दादा मुझे दो इन वॉइस की जरूरत थी। ओके सर मिल जाएगा, बस इसी वैरायटी में रखा दे। ओके सर। ये अटेंडेंस होती है आपकी रोज, कि आप आज शूट पे आए हो, आपने सिग्नेचर किए हैं, उसी हिसाब से आपकी पेमेंट जाती है आगे। उसके बाद इनवॉइस भरना पड़ता है। हाँ, जिस दिन आपने साइन नहीं किया उस दिन की आपकी पेमेंट गई। भले ही आपने शूट किया है पूरे दिन, लेकिन अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी अकाउंट्स में कि आपने आज शूट किया, तो आपका पड़ गया। और जिस दिन ओवरटाइम हो गया तो दो बार साइन करना पड़ता है। नहीं, ओवरटाइम में आपका सिर्फ जो आउट टाइम होता है वो आप ज्यादा लिख देते हो, फिर इन टाइम और आउट टाइम के बीच में जितने आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं वो आपको इनवॉइस में मेंशन करने पड़ते हैं। तो फाइनली आफ्टर मेकअप लुक आप देख सकते हो सामने। वैसे तो आपने पहले व्लॉग में देखा था, पर आज मैंने इसका पूरा मेकअप दिखा है आपको। ऑल सेट, ऑल लाइन से याद, लाइन से चले चले, लेट्स गो। चलो पहले स्टार्ट से पीछे। तो जैसे आप देख रहे हो, हम वैनिटी से निकल के सीधा मेरे फ्रेंड के शूटिंग लोकेशन में पहुंच गए। मतलब देखो आप, इतने भारी भारी कैमरास ना, सब वहां से जहां पहले शूट हो रहा था ना, वहां से यहां शिफ्ट किया जा रहा है। लोग एक एक करके सब लेके आया जा रहा है, और देखो कितने सारे कैमरास यूज होंगे। एक लगेगा ट्रॉली में, एक लगेगा क्लोज में, एक लगेगा वाइड में, इतने सारे। और मेरा फ्रेंड वहां पर बैठा है को एक्टर के साथ, लाइन्स की प्रैक्टिस की जा रही है, और डायरेक्टर बाजू में बैठ के समझा रहा है कि कैसे कैसे आपको बोलना है, किधर किधर लुक देना है। अब ये देख रहे हो ना, ये मॉनिटर में ना देखा जाता है कि फ्रेम कैसा लग रहा है। मतलब एक प्रैक्टिस शॉट लिया जाता है और देखता है कि दिखा जाता है कि टीवी में ये कैसा लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखाना अलाउड है नहीं, बट देन मेरे चैनल में आपको ये सब देखने मिलेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ये देख रहे हो आग जलाई गई है, क्योंकि ये सीन का नीड है। जो आप इस सीन को आप टीवी में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये आग क्यों जलाई गई है। अभी ये जो स्मोक मशीन वापस से यूज किया जा रहा है, स्मोक क्रिएट क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ये सुपर नेचुरल शो है बेकाबू, तो वो स्मोकी इफेक्ट डालते हैं कि थोड़ा सा हॉरर मूवी और थोड़ा सा पहाड़ वाला सीन ऐसा लगे सीन में, तो ऐसा क्रिएट होता है। देखो अभी ये स्क्रीन में कैसा दिखता है, ये स्मोक जो कि एकदम करिश्मा हो गया ना, एकदम चेंज हो गया। तो विद दैट सेड, अब एक्टर्स अपने अपने जगह पे आ गए, शूट अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चुप रहता हूँ और आप सुनो कि डायरेक्टर्स क्या गाइड करते हैं कैसा शूट होता है। डायरेक्टर साहब बैठे हैं रंजन सर हमारे, और कैमरा के सामने स्क्रीन में आपको छोटा सा दिख रहा है कि कैसा कैसा फ्रेम बन रहा है। तो विद दैट सेड मैं चुप रहता हूँ, अभी आप शूट एंजॉय करो, टेक पे टेक कैसा होता है देखो, कितना पेशेंस वाला काम है। अरे चुप रे, रेडी एंड वन टू, देखिए आसमान में एंड क्या हो गया,
अभी जो लेंस है उसमें शूट करो। ये पहले क्यों नहीं किए? कब से लग रहा है लेंस? लुक भी वही बताऊं क्या? रोलिंग एंड वन टू थ्री एक्शन। वो रिंग देख रहे हैं और वो रिंग को देखते देखते वो रिंग अचानक से गायब हुई। वो ट्रॉली वहाँ किस चूते ने रखा है? रोल साइलेंस, पंखा बंद एंड एक्शन। लुक डायलॉग रिपेयर हुआ। काका आसमान में जो रिंग थी अचानक से गायब हो गई, इसका आना तो संकेत था ना? ये जो तूफान आ रहा है, आज से पहले ऐसा तूफान कभी नहीं आया। जब जब धरती पर अलग अलग लोग की शक्ति आकर के टकराती है तो कायनात में ऐसी तबाही लेकर के आती है। और ये तबाही पहली बार नहीं आई, पहले भी आई थी। इस बार जो तबाही आ रही है वो नजर एक बड़ा भयानक नहीं करने लगी। आसमान में जो रिंग थी अचानक से गायब हो गई, इसका आना तो संकेत था ना? क्योंकि जब जब धरती पर दो अलग अलग लोग की शक्ति आकर के टकराती है तो कायनात में ऐसा तूफान लेकर के आती है, धरती काबू में रहेगी, सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। तो विद दैट सेड, अब सबका पैकअप हो गया है। हमारा ही लास्ट सीन था। रात के बज रहे हैं अभी 10:05 yes! और आज जल्दी पैकअप हो गया। सो पैकअप हो गया, बस अभी हम लोग घर जाएंगे। आज एक ही सीन था हमारा, तो आपको पता लग जाएगा टेलीकास्ट में कौन सा, इवन ब्लॉग में पता लग जाएगा कौन सा हमारा सीन किया था, मेरा और जो मेरे चाचा प्ले कर रहे हैं, मतलब दादा। वो मैं क्लिप थोड़ा थोड़ा आपको डाल दूंगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग मिस्टर पॉल व्लॉग्स। अभी बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें आने वाली है, अभी तो शुरुआत है। एंड अभी आई थिंक आपके वन ऑफ द फेवरेट शोज जो है उन सब की क्लिप भी आने वाली है। उनका नाम गेस कीजिए कॉमेंट सेक्शन में कि कौन से शोज की व्लॉग्स आने वाले हैं। एंड कीप वॉचिंग। That's it, I'm gonna end the vlog right here, right now. I'll see you soon with another vlog. Mr. Paul signing off.